भी गंभीर रूप से। पर अभी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और एक दरोगा है मनोज शर्मा, चौकी इंचार्ज भोजपुरा, इनकी पिस्टल से फायर हुआ है सीसीटीएनएस कार्यालय में, और एक महिला जो पास खड़ी थी उससे घायल हुई गंभीर रूप से। अस्पताल में उनको देखा गया है, वहाँ बेस्ट इलाज उनको चिकित्सक अभी दे रहे हैं, और इनके परिजनों से भी हमारी बात हुई है। बताया गया कि वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम से आई थी, वहीं कार्यालय में महिला के बेटे भी थे और पास में एक अन्य व्यक्ति भी था और पुलिस के भी एक कर्मी वहाँ पर मौजूद था। तो सबसे जो बात की है, गोली क्यों चली है ये कारण स्पष्ट नहीं है, इसके लिए टीम लगा दी गई है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के लीडरशिप में। और इसमें जो ये आरोपी दरोगा है इसको तत्काल रूप से प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है, और उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता ही है, यह एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा पुलिस परिवार भी खड़ा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की टीम उनको बचा लें। वहीं जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। नहीं, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे तुरंत आए हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पर है, इसका फुटेज भी है, पूरा फुटेज है, उसको भी सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी लीपापोती यहाँ ना हो सके। ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे SP ग्रामीण भी यहाँ पर लगातार अभी भी मौजूद है और आगे मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। कभी किया।